भाई आप देख सकते हो, ये देखो कितना लंबी लाइन लगी है पीछे तक। तो भाई जापान में ये है कि ऑफिस टाइम पे सिर्फ सुबह और लास्ट में ऑफिस टाइम पे बहुत भीड़ लगती है जापान में, वरना अगर आप 7 बजे के बाद जाओगे ना तो भाई खाली पड़ा रहता है। और अगर जैसे टोल चढ़ना है तो मैं आपको बोलूँगा टोल रात को 12 बजे के बाद चढ़ना तक, क्योंकि उसमें 30% आपका ऑफ हो जाता है। तो खुद सोचो कि कितना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलता है। अब यहाँ से अगर मैं टोक्यो जाऊँ तो मुझे वैसे 11,000 येन देने पड़ते हैं, बट अगर मैं 12 बजे के बाद निकलूँ तो मुझे सिर्फ 6,000 के आसपास भरने पड़ते हैं। तो बहुत फ़ायदा हो जाता है भाई रात को निकलने का, 12 बजे निकलो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और भाई यहाँ पे देख सकते हो कि पूरा पुरानी पुराने जगह है, ये देखो भाई ये तो बड़ी अच्छी जगह है, बड़ा सही लग रहा है। आप देख सकते हो कैसे ये शॉप लगा रहे हैं, 60-70-80 साल के शॉप अभी भी चला रहे हैं। और भाई ये प्लेस पूरी की पूरी बहुत मतलब ट्रेडिशनल टाइप है। आप देख सकते हो कितने पुराने पुराने ही देखो देखो कैसे कैसे घर हैं, जो मतलब अभी भी मजबूत हैं। आप देख रहे हो कैसे हैं, बट अभी भी मजबूत हैं। और कितने यहाँ पे फैक्ट्रीज़ वगैरह बहुत हैं। और ओ भूत बंगला जैसा है, तुम देख लो ये मैकेनिक की दुकान है। और ये सब देखो 15 मान मतलब 1,50,000 में आपको वो मिल रही है एक गाड़ी, सोचो सेकेंड हैंड कितनी सस्ती है जापान में सेकेंड हैंड गाड़ी। यानी कि अगर आप पार्ट टाइम भी करते हो स्टूडेंट लाइफ में तब भी 1 महीने में आप ये खरीद सकते हो, इतनी सस्ती गाड़ी है। बताओ इकोइबा, इकोइबा जो ऊपर लिखा है ये नेट कैफ़े है, और नीचे है इसका फैमिली मार्ट। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पर इंटरनेट कैफ़े कैसे होते हैं, बाहर से ऐसे दिख रहा है ये जैसे जिम होता है ना, ऐसे लग रहा है। और यहाँ पर जाना है हमें इकोबाय, आप देख सकते हो यहाँ पर पहले से ही पैसे लगे हुए हैं। ओ भाई आइसक्रीम कह रहे हैं तभी होता है ना, अनलिमिटेड आइसक्रीम खा सकते हो। 3 घंटे तक है 583 येन ओपन से की, मतलब ओपन मतलब ऐसे अब कमरे नहीं मिलेंगे ओपन मिलेगा। अब देख सकते हो ऐसे ये बेड वाला भी है आपका, यहाँ पे सो सकते हो, फिर यहाँ पे शावर भी ले सकते हो, ऐसे है ऐसे भी है, सब कुछ है, कुछ भी करो। और ये देखो 8 घंटे का 12 घंटे का 1,250 येन, 21 घंटे का है 2,156 है। ये ओपन से की, मैं अगर सोना है तो 3,993। तो यानी कि मान लो आपकी ट्रेन छूट गई गलती से और आपको होटल महंगा पड़ रहा है तो यहाँ पे आप 4,000 येन में ठहर सकते हो, तो अच्छी चीज़ है काफ़ी। अब चलते हैं भाई यहाँ पे, कमरे में बुक्स रखी है, तो भाई ये मिला और आप देख सकते हो यह मसाज चाहिए, ये तो मसाज मसाज होती है। हमें ये 3 घंटे तक हम यूज़ कर सकते हैं 880 येन में, मसाज मसाज करते रहेंगे। अब हम करते हैं पास पीसी ऑन, इसको दबा के ऑन करना था। सो भाई यहाँ पे ड्रिंक है अनलिमिटेड, मेरे बगल में ना एक लौंडा बैठा है, मैं बोल भी नहीं पा रहा ढंग से, सब लोग काम कर दे रहे हैं भाई। भाई देखो ये 3 घंटे तक हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं, रुको। सो भाई देखो मसाज चेयर है चालू हो गई है, मसाज हो रही है, काम कर भाई
ऑफिस में भी ये सारी चीज़ें चाहिए यार, नहीं ऑफिस में भी ये सारी चीज़ें कि मसाज होती रहे और हम अपना काम करते रहे। मज़ा आ रहा है भाई। भाई अभी कॉफ़ी अनलिमिटेड है तो पीने चलते हैं कॉफ़ी। सही है, सब फ्री है 3 घंटे तक जितना भी पियो। सही है, टमाटो चाहिए, टमाटो पानी से आए ऊपर। वो यार मस्त है यार ये तो, भाई आप लोग भी आओ यहाँ पे 3 घंटे की माँ बहन कर देंगे। आइसक्रीम भी दे रहे हैं, आइसक्रीम। तो भाई अब यहाँ पे प्रिंट आउट निकालते हैं, देखो ये सब मेरे हैं इसमें। ये 10 yen मांग रहे हैं, यहाँ पे डाल दें। भाई मेरे पास नहीं है पैसे तो मेरे पास 1000 yen है, तो यहाँ पर देखो 500, 100, 50, 10 तो मुझे इससे खुले करा के आने पड़े, तो इससे मैं खुले करा के लाता हूँ। रुको भाई, ये दवा के तो पैसे नीचे आ जाएंगे, यहाँ से अपने पैसे उठा सकते हैं। कोई क्या हुआ है और ये वॉशरूम ओपन से की ओपन है, यहाँ पे बैठ के कंप्यूटर खुद का लाओ बट कॉफ़ी वगैरह फ्री। तो भाई आप लोग भी ऐसी जगह आ सकते हो अगर इंटरनेट नहीं है, प्रिंटर नहीं है, लैपटॉप नहीं है, तो ऐसे आ सकते हो। ये 800 yen है, इससे भी सस्ते सस्ते होंगे। और यहाँ पे आप खाना देखो अनलिमिटेड तो था ही, कॉफ़ी है देखो मैं कितनी सारी पी गया, बहुत सारी पी गया, अब तो मेरे पेट में भी दर्द होने लग गया इतने पी गया। और इसमें यहाँ पे आप खाना भी ऑर्डर कर सकते हो, पूरा खाना मिलता है। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो ये मेन्यू है यहाँ का, ये मेन्यू है देख सकते हो। और इस मेन्यू को आप खोलेंगे तो ये देखो यहाँ पे ये बकेट बकेट करके ना सा, और यहाँ पर आपकी स्नैक्स वगैरह ये देखो। और सस्ता है ये, वैसे 100 yen का मिलता है, 110 yen का 165 का मिल रहा है, तो सस्ता है, कितना महंगा नहीं है। देखो ओहो ओहो, ये स्पेगेटी देखो, स्पेगेटी आप देख लो कितनी सस्ती मिल रही है। और ये उदोन और रामेन 825 का रामेन मिल रहा है, प्लस चाहान, अरे वाह, मतलब चाहान के साथ मिल रहा है, मतलब फ्राइड राइस के साथ नूडल्स, और क्या चाहिए। ओह ये देखो ये करी, करी भाई, करी जापानी लोग बहुत खाते हैं भाई, बहुत ज़्यादा जापनीज करी ना, इंडियन तो खाते हैं, जापनीज भी खाते हैं देखो भाई, वाओ। और आइसक्रीम भी अनलिमिटेड है यहाँ पे, आप आइसक्रीम भी खा सकते हो जितनी मर्जी खानी है। अभी देखो कितने हो रखे हैं, ये देखो 9:41 हो रहे हैं, और सॉरी 7:41, 7:41। तो देखो मैं ऑलमोस्ट 3 घंटे होने वाले हैं, 8:03 में 3 घंटे हो जाएंगे मैंने यहाँ पे, मगर मैंने बहुत काम किया, मैंने इतने सारे प्रिंट आउट निकाले, अब दिखाता हूँ आपको। ये देखो ये इतने सारे मैंने प्रिंट आउट निकाले हैं, और ये 1 10 yen का है, तो मेरे कम से कम 300-400 yen इसमें लगे हैं प्रिंट आउट में। तो चलो अब मैं इस यहाँ से बाहर निकलता हूँ, फिर बात करते हैं, ठीक है भाई। ये था जा रही है, बड़ा अच्छा था, वेरी नाइस। अब हम आ गए बाहर, ये था फैमिली मार्ट और ये था इको इबा, मस्त था। सब ऐसे ही आते, लड़कियां भी आ रखी थी, पता नहीं क्या करते होंगे यार इंटरनेट में। चल मैं तो काम से, मगर वो भी काम से आऊँगा यार, पर वहाँ पर ये है कि कैमरा तो लगा रहता है, बट उसमें लिखा रहता है कि आप कुछ भी करोगे हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे,
ये देखो। और मतलब जब कुछ वो जो कैमरे की रिकॉर्डिंग है वो कोई स्टाफ नहीं देख सकता, कोई भी नहीं देख सकता, उसमें लिखा रहता है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो बट जब कभी कुछ हो गया, मतलब कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ खून हो गया, कुछ भी हो गया प्रॉब्लम, उस सिर्फ उसी टाइम पे जो जैसे हमारे यहाँ पे CID वगैरह है, CBI वगैरह है, तो वही जो स्पेशलिस्ट होंगे वही देख सकते हैं वो रिकॉर्डिंग को। यहाँ पे जापान में इतनी खुफिया है ना प्राइवेसी, भाई जापान में प्राइवेसी बहुत तगड़ी है। यहाँ पे पता है इसलिए चाइना गेम नहीं खेल पाता, अमेरिका गेम नहीं खेल पाता, रशिया गेम नहीं खेल पाता, पता क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो बोलते हैं कोजिन जो हो, इट मीन्स पर्सनल इन्फॉर्मेशन, भाई वो किसी को नहीं देते हैं ये लोग। आप फेसबुक में देख लो, फेसबुक ये बनाते नहीं है क्योंकि उसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन जाती है। इनके पास सिर्फ और सिर्फ लाइन होता है और लाइन जापान का अपना है, और ये उसमें सिर्फ और सिर्फ फ़ोन नंबर डालते हैं। और लाइन एक ऐसी चीज़ है कि जैसे किसी को आपको अवॉइड, यहाँ पे जापान में कोई किसी को अपना फ़ोन नंबर नहीं देता अनलेस कि वो ना हो, जैसे काम टू काम ना, क्योंकि काम टू काम देंगे तो वर्क टू वर्क देंगे तो फ़ोन नंबर देना पड़ता है ना, तो वो तो ज़रूरी है। बट अगर वर्क टू वर्क नहीं है तो लाइन देते हैं, लाइन आप ब्लॉक भी कर सकते हो, किसी को आपका नंबर पता नहीं लगेगा।